संभल में अवैध रूप से बिना लेआउट पास कराए की जा रही प्लॉटिंग कॉल बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं, प्लॉटिंग के दौरान चार दीवारी खड़ी कर घेरी गई जमीन को भी गिरा दिया गया। बुलडोजर की कार्यवाही के दौरान एसडीएम अपनी राजस्व टीम एवं पुलिस के साथ मौजूद रहे। संभल के एसडीएम विनय कुमार मिश्र, राजस्व टीम एवं कोतवाली संभल पुलिस के साथ जनपद सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के बहजोई रोड स्थित मल्ली सराय पहुंच गए। एचडी में बुलडोजर के साथ जाते हुए दिखाई दिए तो लोगों में हड़कंप मच गया। एसडीएम नहीं, यहां बुलडोजर से 5 बीघा और 15 बीघा कुल 20 बीघा भूमि पर हो रही अवैध रूप से प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम की इस कार्यवाही के बाद वहां एकत्र हुए लोगों को कहा गया कि बिना नक्शा पास कराए या लेआउट पास कराए प्लॉटिंग ना की जाए। एसडीएम ने बताया कि मेरे कोर्ट में एक मामला चल रहा था, उसको मैं चेक करने के लिए मौके पर आया था, तो यहाँ जानकारी मिली कि जो मौका है उसके पीछे की तरफ कुछ लोग अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। ये प्लॉटिंग पराग अग्रवाल द्वारा की गई है, इसका लेआउट भी नहीं किया गया है। यहाँ पर लोगों को भ्रमित करके 15 फीट के रास्ते पर प्लॉट काट दिए गए हैं। कोई इंडिविजुअल का नक्शा भी पास नहीं हो सकेगा। हम लोग कहते हैं कि जहाँ लेआउट अप्रूव हो वहां पर ही अपना प्लॉट खरीदें, लेकिन ये लोग जनता को भ्रमित करके जनता का पैसा लूटते हैं। मेरे कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है धारा 134 को लेकर, मेन रोड के किनारे की जमीन है, तो उसको मैं चेक करने आया था मौके की स्थिति देखने के लिए। तो जानकारी मिली कि पीछे की तरफ इलीगल प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ पे लोगों ने 15 फीट के रास्ते डाल के प्लॉटिंग कर दिए, कुछ लोगों को प्लॉट बेच भी दिए हैं, 2-3 लोगों ने मकान भी बना लिए हैं। और इस प्लॉटिंग के पीछे की तरफ एक अन्य आदमी द्वारा भी प्लॉटिंग की जा रही है। तो ये दोनों ही इलीगल प्लॉटिंग है जो आम उपभोक्ता को भ्रमित करके प्लॉट बेचे जाते हैं। तो इसको हम लोग हतोत्साहित करना चाह रहे हैं सरकार के निर्देशानुसार, इसीलिए यहाँ स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं। इनका रोड बाउंड्री जो इन्होंने प्लॉट्स की बाउंड्री छोटी छोटी बना रखी थी उनको हटाया गया है। जो 2-3 मकान बने हुए हैं इनका भी सर्वे करा रहे हैं और इनको भी नोटिस देके इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसी के साथ किसी तरह कोई मैसेज देना चाहेंगे जिस तरह से लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं? हमने पहले भी बार बार लोगों से अपील की है कि जहाँ पर लेआउट पास नहीं हो विनियमित क्षेत्र के माध्यम से वहाँ पर प्लॉट्स ना खरीदो, क्योंकि उससे ना तो आपको नक्शा स्वीकृत हो सकेगा, जब लेआउट नहीं स्वीकृत नहीं है तो इंडिविजुअल का नक्शा भी स्वीकृत नहीं हो सकता। वहाँ से बैंक से लोन मिलना भी मुश्किल होता है, लोन भी आमतौर पे जो अप्रूव कॉलोनी होती है वहीं पे बैंक फाइनेंस करते हैं। तो अगर उपभोक्ता जागरूक हो जाएगा तो इलीगल प्लॉटिंग अपने आप रुकेगी। ठीक है। तो यार तुमने अभी तक लाया नहीं आदमी को, ये करते करते आइएगा, लास्ट में इनकी भी छूटेगी, इनको बहुत देर से। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।